प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषाचार्य पंडित नरेंद्रनाथ पांडे मध्य प्रदेश ग्वालियर से बोल रहा हूँ। जिस प्यास स्नेह के साथ, जिस उत्साह के साथ आप लोग मेरे वीडियो को, प्रोग्राम को देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, फरमाइश कर रहे हैं, इसलिए धन्यवाद। दोस्तों, मेरा भी पूरा प्रयास है कि आप अपने प्रोग्राम के माध्यम से आपको कुंडली देखने का ज्ञान प्राप्त कराऊँ। आप लोग इसी तरह से मेरे वीडियो को देखते रहें, खुद कुंडली देखने के ज्ञाता हो जाएंगे। आपके सहयोग के लिए मेरे प्रत्येक वीडियो मेरा मोबाइल नंबर है, डिस्क्रिप्शन में भी है, फिर भी मैं बोल देता हूँ। मेरा मोबाइल नंबर 9425308। ये मोबाइल नंबर मैं इसलिए देता हूँ कि कोई वीडियो संबंधी प्रश्न हो आप मुझसे संपर्क करिए, मैं फ्री सेवा कर दूंगा। मगर कोई मित्रगण अगर अपनी कुंडली का विशेष विश्लेषण कराना चाहते हैं तो मुझसे संपर्क करिए, उसके लिए आपको कुछ फीस देना होगा। अगर फीस आप देंगे तो पूरे कुंडली का विवेचन कर दूंगा। आप लोग की बहुत फरमाइश आई है गुरु सूर्य के ग्रह के युक्ति के बारे में। आज मैं ये वीडियो प्रस्तुत कर रहा हूँ। गुरु सूर्य की युक्ति कुंडली के किन किन भाव में अधिक लाभ देता है, क्या देता है, इसको सुनिए। जिसकी कुंडली में लग्न में सूर्य गुरु की युक्ति हो ऐसे लोग भाग्यशाली होते हैं, बुद्धिजीवी होते हैं, स्वयं अपनी पहचान बनाते हैं। जिसकी कुंडली में लग्न से तीसरे भाव में गुरु सूर्य की युक्ति हो ऐसे लोग माता पिता के सेवक होते हैं, पराक्रमी होते हैं, बचपन से ही तेजस्वी होते हैं और चतुर चलांक होते हैं। जिसके कुंडली में लग्न से चौथे भाव में गुरु सूर्य की युक्ति हो, क्या बात है दोस्तों, ऐसे लोग रंग से राजा बनते हैं, ऐसे लोग प्रशासनिक अधिकारी बनते हैं, मंत्री बनते हैं, राजा के समान सुख पाते हैं। जिसकी कुंडली में लग्न से पांचवें भाव में गुरु बैठा सूर्य की युक्ति हो ऐसे लोग पूर्ण विद्वान होते हैं, गुप्त विद्या की पढ़ते हैं, संगीतकार होते हैं, कलाकार होते हैं, साहित्यकार होते हैं। जिसकी कुंडली में लग्न से नौवें भाव में गुरु सूर्य की युक्ति हो ऐसे लोग उद्योगपति होते हैं, बहुत धनी होते हैं, ऐसे लोग अपनी पहचान से जाने जाते हैं, समाज से भी होते हैं, सरकार से भी इनको अच्छा पद मिलता है, छोटी नौकरी करके उच्च पद की प्राप्ति करते हैं। जिसके कुंडली में लग्न से बारहवें भाव में गुरु सूर्य की युक्ति हो ऐसे लोग अपनी पहचान बनाते हैं, अपना निर्माण कार्य करते हैं, इनके संतान योग्य होते हैं। परंतु चौथापन इनकी भावुकता, इनके उदारता के कारण इनका अच्छा नहीं जाता है। ये बहुत छोटा सा वीडियो आपके सामने प्रस्तुत किया, गुरु सूर्य की युक्ति कुंडली में किन किन भाव में अधिक लाभ देता, क्या देता है, इसको सुनिए। इससे संबंधित कोई प्रश्न हो तो मुझसे करिएगा, मैं सहयोग करूँगा। इतना कहते हुए वीडियो समाप्त कर रहा हूँ। नमस्कार।